Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you the questions of fill in the blanks asked in the IBPS RRB clerk examinations. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस तरह के क्वेश्चन में हर सेंटेंस में आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया जाता है एंड टू फिल इन दिस ब्लैंक स्पेस यू आर गिवन फाइव ऑप्शंस आउट ऑफ विच यू हैव टू सेलेक्ट वन द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। नताशा लुक्ड एट सोनिया विथ वाइड ओपन आईज एज इफ शी कुड नॉट डैश द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को क्या किया जाता है इस पर आप विचार कर लें, समझा जाता है ताकि आंसर प्रॉपरली हो सके। तो समझने के सेंस में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही एक्सप्रेस करता है उसे फाइंड आउट कर लें। लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। नंबर वन, ग्रैस्प यस टू अंडरस्टैंड, दिस इज द करेक्ट वन। होल्ड पकड़ना, कैच लर्न टू स्टडी, एस्टिमेट टू कैलकुलेट, टू एसेस टू गेस, ऑल द रिमेनिंग फोर ऑप्शंस आर नॉट एप्रोप्रिएट हियर। हेंस ऑप्शंस बी सी डी एंड ई आर इजिली एलिमिनेटेड। द राइट ऑप्शन इज नंबर ए, ग्रैस्प समझना। Natasha looked at Sonia with wide open eyes as if she could not grasp the question. Number two पर आते हैं। The chess player moved his piece to a more dash position, securing the win. जीत हासिल करने के लिए अपने पीस को ज्यादा कैसा स्थान होगा, तो जाहिर है कि वो एडवांटेजस होगा, फायदेमंद होगा, जो उसके फेवर में आएगा, फेवरेबल होगा। आइए ऑप्शंस के एग्जामिन करें। एडवर्स विपरीत, ये तो मीनिंगलेस है यहां इस कंटेक्स्ट में। इनसिक्योर, भैया सिक्योर करना चाहता है विन को, तो फिर इनसिक्योर पोजीशन कैसे देगा, हारने की इच्छा उसकी है ही नहीं, हेंस एलिमिनेटेड। डायगोनल स्ट्रेट लाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मीटिंग टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर रेक्टेंगल विकर्ण, यहां विकर्ण का पोजिशन में पीस मूव नहीं करेगा एक्सेप्ट वन एंड दैट इज एलिफेंट, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नंबर डी, एडवांटेजस, यस मोर एडवांटेजस पोजिशन इन ऑर्डर टू सिक्योर द विन, द करेक्ट ऑप्शन इज दस नंबर डी। डेंजरस खतरनाक, ओ नो ही डज नॉट वॉन्ट टू लूज द मैच द गेम, हेंस दिस इज एलिमिनेटेड। द राइट वर्ड इज दस नंबर डी, एडवांटेजस। द चेस प्लेयर मूव्ड हिज पीस टू ए मोर एडवांटेजस पोजिशन सिक्योरिंग द विन। क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ दे कैन स्निक अप ऑन देम, स्निक अप चुपके से क्वाइटली मूव टुवर्ड्स समवन और समथिंग मेकिंग हिम हर और इट अनअवेयर एंड अटैक सडनली। इफ दे कैन स्निक अप ऑन देम, हाउस कैट्स ऑफन, अब इस तरह से झपट करके हमला करना, ऐसा वर्ड हमें चाहिए, ऑन माइस एंड स्मॉल बर्ड्स। लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। फॉल गिरने का अर्थ है नहीं, पॉन्स यस द करेक्ट आंसर, झपट लेना। टू अटैक सडनली बाय मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट क्वाइटली टिपटोड, द राइट आंसर इज दस नंबर बी, पॉन्स। कॉट यहां तो खैर हमें मेन वर्ब वन चाहिए, कैच का भी अर्थ यहां नहीं आ रहा, सो ये तो ऐसे ही टेंस फॉर्म के आधार पर एलिमिनेटेड हो गया। अरेस्ट टू सीज लीगली, जनरली दिस एक्शन इज डन बाय द पुलिस, हियर पुलिस का केस नहीं, सो एलिमिनेटेड। एंटैंगल टू मेक समथिंग ट्विस्टेड, उलझा देना, दिस इज ऑल्सो मीनिंगलेस हियर, द राइट आंसर इज दस नंबर बी, पॉन्स।
If they can sneak up on them, house cats often pounce on mice and small birds. Now let us come to question number 4. The genius Dash allowed him to come up with some life-changing surgical techniques. यानी यहाँ एक positive word चाहिए, क्योंकि लाना है surgical techniques, life-changing surgical techniques. तो right word को opt करने के लिए let us examine the options. Inability एक negative word है, so this is eliminated. Not being able to do something, lack of ability. Gloom, darkness, sadness, dullness, this is also a negative one. So eliminated. Ignorance, lack of knowledge, अज्ञानता. भाई अज्ञानी व्यक्ति कैसे surgical techniques जो life को change कर सकता है ला सकता है, hence eliminated. Students, आप negative, positive, meaning, direction, इन सभी आधारों पर examine करो तो right option find out करने में you will have to face no problem at all. Brilliance, yes, the positive one. Mental sharpness, intelligence, lack of mental ability का सवाल ही नहीं होता है. Why? वास्तव में mental powers बहुत ही strong है उस व्यक्ति का. That allowed him to come up with some life-changing surgical techniques. Hence, number D is the right answer. Defect, a negative one, hence easily eliminated. The right answer is thus number D. Brilliance. The genius, brilliance, allowed him to come up with some life-changing surgical techniques. Now, come to question number 5. He had dash energy to complete the race. And यहाँ एक quantity showing word होगा. But no और but का मतलब यहाँ आ रहा है कि यहाँ positive one होगा. माने उसके पास था. But no will power to move forward. आई ऐसा quantity showing word जो positive हो. Find out करने के लिए let us examine the options. Number A, minute ये size बताता है. Not the quantity, hence easily eliminated. स्पेयर बच्चा खुचा, यानी बहुत थोड़ा सा. सॉरी, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. सफिशियंट, पर्याप्त, इतना काफी होगा, इनफ, और वो मैच, वो रेस जीत सकता है. दिस इज द करेक्ट वन. फ्यू नेगेटिव वर्ड है, मीन्स नॉट एट ऑल. बट एनर्जी के लिए लागू भी नहीं होगा, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है, जबकि एनर्जी आपका अनकाउंटेबल है, हेंस एलिमिनेटेड. Negligible, एक negative word है, eliminated. The right option is thus number C, sufficient. He had sufficient energy to complete the race, but no willpower to move forward. Now come to question number 6. Infringement, violation, अवहेलना, उल्लंघन. Of this, यहां dash blank space में एक law या regulation या rule, इस तरह का चीज जिसके violation से आपको दिक्कत होती है, would automatically rule you out of the championship, आपको championship से बाहर कर देगा. Students, बड़ी आसानी से find out हो गया कि हमें blank space को fill in करने के लिए एक ऐसा word चाहिए जो regulation या rule या law से related हो. चूंकि चैंपियनशिप की बात है तो यह रेगुलेशन ही एक फिट होगा, रूल या लॉ संभव नहीं है. इस तरह से वर्ड पावर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. सो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दिस डैश वुड ऑटोमेटिकली रूल यू आउट ऑफ द चैंपियनशिप. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं. तो नंबर ए ही आपको मिल गया, रेगुलेशन. ऑर्गेनाइजेशन का यह काम नहीं होता. ऑर्गेनाइजेशन तभी करेगा जब कैंडिडेट एस्पिरेंट इन्फ्रिंज करेगा किसी रेगुलेशन को. सॉरी, एलिमिनेटेड. वायलेशन इज द सिनोनिम ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, हेंस इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, एलिमिनेटेड. फंक्शन का कोई यहां पर औचित्य नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड. ऑब्जर्वेशन फॉलो करेगा तो फिर एलिमिनेट कैसे होगा, वो रूल आउट कैसे होगा, हेंस दिस इज ऑल्सो नॉट एप्रोप्रिएट. द एप्रोप्रिएट वन इज नंबर ए, रेगुलेशन. So infringement of this regulation
regulation would automatically rule you out of the championship. It's very easy and interesting to find out the correct options provided you have a good knowledge of grammar, comprehension and a strong word power. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.